दोस्तों, अगर आपके पास है रेडमी का मोबाइल और उसमें आप स्क्रीन लॉक लगाना चाहते हैं दोस्तों, कोई भी लॉक रहेगा, वो पिन या पैटर्न या पासवर्ड लॉक, कोई भी बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल की स्क्रीन में लॉक सेट कर पाएंगे। तो स्क्रीन लॉक लगाने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, तो सिंपल पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्क्रीन लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, तो आपको स्क्रीन लॉक पे क्लिक करना है। यहाँ पे पिन पैटर्न पासवर्ड तीन ऑप्शन मिल जाते हैं, पैटर्न पिन पासवर्ड। अब जो भी लॉक यहाँ से सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से चूज कर लेना है, वो आपको लॉक यहाँ पे क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से हम पैटर्न को सेलेक्ट करें, तो यहाँ पैटर्न को क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है गोट इट का ऑप्शन, तो आपको कुछ सेकंड चलेंगे, उसके बाद गोट इट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको एक पैटर्न बना लेना है। जैसे ही सेट कर लेंगे पैटर्न, उसके हिसाब से आपको फिर से वही सेम पैटर्न जैसा पहले बनाया था वैसा ही यहाँ पे फिर से ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। अब कंफर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे अगर आप फिंगरप्रिंट लॉक लगाना चाहते हैं साथ में, तो आपको ऐड पे क्लिक करें, नहीं तो दोस्तों यहाँ से कैंसिल कर देंगे और आपके मोबाइल का जो स्क्रीन लॉक रहता है वो पैटर्न में सेट हो जाता है। मोबाइल को लॉक करूंगा और लॉक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अनलॉक करता हूँ, तो हमारे मोबाइल में देखते हैं पैटर्न लॉक सेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम पैटर्न जो बनाया था वो ड्रॉ करता हूँ और हमारा मोबाइल जो है वो अनलॉक हो जाता है। इस तरह से दोस्तों आप रेडमी मोबाइल में आसान तरीके से स्क्रीन पैटर्न लॉक को सेट कर पाएंगे। तो वीडियो से सही जानकारी मिले प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।